ए टू जेड कार टेक के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है महिंद्रा थार DS6। इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, यह है इसका DPF का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है और चेक इंजन लाइट भी जल रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये इग्निशन ऑन है, ये मैंने इग्निशन ऑन किया, एक मिनट इग्निशन ऑन, गाड़ी स्टार्ट कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए DPF का लाइट ब्लिंक कर रहा है, चेक इंजन लाइट जल रहा है, टायर प्रेशर का वो छोड़ दीजिए। तो इसको स्कैन पहले हमने किया था, देखिए स्कैन एक और बार करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास है PS70 Pro थार BS6 ऑटोमेटिक स्कैन। इंजन मैनेजमेंट TTC देख सकते हैं, DPF सूट मास हाई, DPF सूट मास वेरी हाई, करेंट स्टेटस है। और यह है EGR कूलर बाईपास वैक्यूम मॉड्यूलेटर ओपन लोड। तो इसका जो कंडीशन है DPF रीजनरेशन करने के लिए, जो आपका ये स्विच से होता है, उसको करने के लिए पहले आप ये जो आपका जो चेक इंजन लाइट है गाड़ी का, ये लाइट ऑन नहीं होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए, फिर जाके ये जनरेशन हो पाएगा गाड़ी से। पहले इस लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। तो ये लाइट जल रहा है किसके लिए? EGR कूलर बाईपास वैक्यूम मॉड्यूलेटर ओपन लोड करंट ड्यूटी। जब तक ये कोड नहीं जाएगा तब तक रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको दिखाता हूँ इसका EGR कूलर, पहले गाड़ी ऑफ कर लेते हैं। गाड़ी के लेफ्ट साइड देख सकते हैं, यह है EGR का पाइप और वो रहा कूलर। एक मिनट, यह है कूलर और इसका यह है इसका वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, EGR वाल्व, इसका वाल्व का कपलर है। और ये जो पाइप है ये वाला, एक मिनट, ये जो कपलर है ना, ये वाला जिसका शायद ये वैक्यूम पाइप अटैच्ड है, देखिए ये वाला जो कपलर है ब्लैक वाला, और ये जो वैक्यूम पाइप अटैच्ड है, ये है आपका EGR कूलर बाईपास मॉड्यूलेटर। इसको ओपन लोड आ रहा है, इसका कपलर चेक करेंगे, अगर वोल्टेज ठीक है तो इसका ये चेंज करना पड़ेगा, आपका मॉड्यूलेटर चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें दो वायर्स होते हैं, ये दो वायर्स में आप एक टेस्ट लैंप लगाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसमें लाइट जलना चाहिए, इसका मतलब वोल्टेज आ गया है। देखते हैं टेस्ट करके, पहले देख सकते हैं ये जो कपलर है आपका, वो रहा ना यहाँ पे जो कपलर लगता है, मॉड्यूलेटर कपलर मैं खोल चुका हूँ, ये वाला, और ये है कपलर। इसमें मैंने टेस्ट लैंप लगा दिया है, मेरा दो वायर पे दो टेस्ट लैंप लगा दिया हूँ। अब देखते हैं लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाइस स्टार्ट करो। हाँ, और ये मॉड्यूलर जिस बाल्ब पे कनेक्ट है उसे मैंने मैनुअली प्रेस करके चेक कर लिया है कि वो एकदम फ्री है, जाम नहीं है, इसीलिए इसका सिर्फ लाइन चेक करना भी बाकी है। चलिए देखते हैं, देख सकते हैं इसका लाइट जल रहा है, इसका मतलब कनेक्शन ठीक है, प्रॉब्लम है मॉड्यूलेटर में, ठीक है। इसका मॉड्यूलेटर पहले चेंज करना होगा, फिर वो कोड जाएगा, उसके बाद रीजनरेशन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत भाई हैं जो समझ में नहीं आता है रीजनरेशन क्यों नहीं हो रहा है और परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर रीजनरेशन नहीं हो रहा है और चेक इंजन लाइट ऑन है तो पहले आपको चेक इंजन लाइट ऑफ करना पड़ेगा, फिर जाके ये रीजनरेशन होगा, ठीक है। इसका मॉड्यूलेटर चेंज कर देंगे हम लोग, करने के बाद इसका जो मॉड्यूलेटर का कोड है वो चला जाएगा, उसके बाद रीजनरेशन गाड़ी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।